दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल कृष्णा फैंटेसी में। एंड आज हम बात करेंगे ECS T10 मैच के बारे में, जो कि यहाँ से खेला जाएगा वॉरियर्स वर्सेस LJU के बीच। दोस्तों, ये मैच आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रम्प प्लेयर होने वाले हैं जिनका सेलेक्शन जो है वो ना के बराबर है, और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन करवा देंगे। कौन से वो प्लेयर होने वाले, साथ ही साथ में कौन सा बैट्समैन का बैटिंग करेगा, कौन सा बॉलर का बॉलिंग करेगा, सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा फैंटेसी, आप देख सकते हो। दोस्तों, इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से जाइए, लिंक पर क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फाइनल टीम आपको यही मिलेगी। अगर मैं आपको रीसेंट मैचेस का रिजल्ट भी बताऊँ, तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर मैचेस में यहाँ पे क्लीन स्वीप भी करा है। दोस्तों, अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी टीम के बारे में, तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी भाई नए हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए, तो यार YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है, तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यार एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। उम्मीद करता हूँ अब तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बात करें हमारी टीम के बारे में, तो विकेट कीपर में रमनजोत सिंह का आपके पास एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है, जो कि ओपन करते हुए नजर आएंगे। हालांकि लास्ट रन में 0 रन पे ही आउट हो गए थे, लेकिन भाई उससे पहले वाले मैच में काफ़ी अच्छी इनकी परफॉर्मेंस रही थी, और इस टूर्नामेंट में अभी तक काफ़ी अच्छा परफॉर्म इन्होंने करा है, तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, आप इनको रख सकते हो। बाकी पी बॉस तो बैटिंग काफ़ी नीचे करते हैं, तो उनको आप ड्रॉप करके ही चल सकते हो। बैटिंग के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, जो यहाँ पे आपको खेलते हुए नज़र आएंगे, अवस्थी आपको खेलते हुए नज़र आएंगे, जो कि ओपन करते हुए आपको नज़र आने वाले। लास्ट मैच में बात करें तो 2 रन पे ही आउट हो गए थे, हालांकि विकेट भी नहीं निकाल पाए। ये आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों करके देंगे, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। वहीं अगर उससे पहले अगर मैचेस के बारे में हम बात करें, इनकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो 11 रन इन्होंने करे थे, 1 विकेट निकाले। उससे पहले वाले मैच में भी 2 विकेट निकाले थे, तो शानदार परफॉर्मेंस रहा है, आप इनको अपनी टीम में लेके चल सकते हो। बाकी अगर बैटिंग में आप देखोगे, तो ज़्यादा कोई खास आपके पास ऑप्शन नहीं है जिनको आप इस मैच में अपनी टीम में लेके चल सकते हो, या फिर आपके लिए कोई अच्छे ऑप्शन यहाँ पर निकल सके। दोस्तों, यहाँ पर आप एस सिंह को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, जो कि नंबर 3 आपको बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। लास्ट मैच में 7 रन पर ही आउट हो गए थे, उससे पहले 3 रन इन्होंने करे, 0 रन इन्होंने करे, 14 रन करे। फॉर्म इनका इतना कुछ खास नहीं रहा है, इसलिए मैं ड्रॉप करके ही चल रहा हूँ। बाकी यहाँ पे शर्मा का ऑप्शन होने वाला है, जिनको आप इस मैच में अपनी टीम में ट्राई करके चल सकते हो। ये बैटिंग आपको थोड़ा सा नीचे करते हुए नज़र आ सकते हैं, लेकिन ये बॉलिंग करवाते हैं, लास्ट रन में 1 विकेट निकाले, और अभी तक ये टूर्नामेंट काफ़ी अच्छा रहा है, तो इनको भी आप रख सकते हो। 2 हमारे फिलहाल यहाँ पर जो है बैट्समैन रहने वाले हैं। ऑलराउंडर के बारे में बात करें, हसन एक अच्छे ऑप्शन होने वाले, जिनको इस मैच में आप अपनी टीम में लेके चल सकते हो। लास्ट मैच के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ओपन करेंगे 42 रन की एक शानदार इनिंग्स इन्होंने खेली थी दोस्तों, उससे पहले भी 2 रन करे, और 39 रन भी इन्होंने एक मैच में करे थे अभी ही T10 में। फॉर्म अच्छा चल रहा है, आप इनको भी अपनी टीम में रख सकते हो। इनके अलावा अली एक और आपके पास अच्छे ऑप्शन होने वाले हैं दोस्तों, नंबर 3 बैटिंग करते हुए नज़र आएंगे। लास्ट रन में शानदार 33 रन की एक अच्छी इनिंग्स इन्होंने खेली थी दोस्तों, साथ ही साथ में इस टूर्नामेंट में अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, और 1 विकेट भी लास्ट रन में निकाले थे। बैटिंग बॉलिंग करके दे देते तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वी संको के बारे में बात करें, नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए नजर आएंगे, प्लस बॉलिंग करेगी, हालांकि लास्ट रन में 0 पे आउट हो गए और कोई विकेट नहीं निकाल पाया। अभी तक टूर्नामेंट फ्लॉप सा रहा है थोड़ा सा, लेकिन बैटिंग बॉलिंग करेंगे, इसलिए मैं इनको लेके चल रहा हूँ। एन चंद्र का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, पहले अगर टीम बॉलिंग करे तो ज़्यादा अच्छे ऑप्शन है। रीसेंट के अगर आप 5 मैचेस देखोगे, तो इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा, लेकिन यार 2 ओवर आपको पूरे करवा के दे देंगे, तो मुझे लगता है आप इनको लेके चल सकते हो। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होने वाला है करण का दोस्तों, इनको भी आप अपनी टीम में लेके चल सकते हो। नंबर 4 पे ये वैसे बैटिंग करते हुए आपको नज़र आने वाले हैं। अभी तक टूर्नामेंट जो है एवरेज रहा है, लेकिन वैसे देखोगे प्लेयर काफ़ी अच्छे, इसलिए आप इनको रख सकते हो। ताहिर के बारे में
अगर हम बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, आप चाहो तो इनको भी अपनी टीम में लेके चल सकते हो दोस्तों, जो कि नंबर 5-6 पे बैटिंग भी कर लेते हैं प्लस बॉलिंग भी करवा लेते हैं। लास्ट रन में भी एक विकेट निकाला था, हालांकि अभी तक ये टूर्नामेंट थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन आप रख सकते हो, पूरे ओवर आपको करवा के दे देते हैं। इनके अलावा अगर हम किसी और के बारे में बात करें, सी इरशाद का आपके पास ऑप्शन होने वाला है दोस्तों। लास्ट रन में कोई विकेट नहीं निकाल पाए, लेकिन ये भी एक प्लेयर अच्छे आप समझ सकते हो इनको। लास्ट मिनट में तो विकेट नहीं निकाले, लेकिन उससे पहले शानदार परफॉर्मेंस आया था पहले वाले मैच में, तो इनको भी आप रख सकते हो। 7 ऑलराउंडर आप ट्राई करके चल सकते हो। बॉलिंग के बारे में बात करें, यहाँ पे ओमकार नाथ एक ऐसे प्लेयर आप बोल सकते हो जो आपको विकेट निकाल के दे सकते हैं। लास्ट रन में एक ओवर मेडिन डाला था और साथ ही साथ में विकेट भी निकाला था, और उससे पहले भी विकेट निकालते हुए आ रहे, तो इनको भी आप अपनी टीम में ट्राई करके चल सकते हो। आर जहूर का ऑप्शन तो है, लेकिन इनके ओवर वगैरह कट सकते हैं, इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे के राजा का भी ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, लेकिन इनके भी ओवर वगैरह कट सकते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। लास्ट रन में कोई विकेट नहीं निकाल पाए, यदि पहले इनकी टीम बॉलिंग करती है तो ट्राई करोगे तो कुछ हो सकता है मेरे ख्याल से। बाकी यहाँ पे और राज का आपके पास ऑप्शन है, लास्ट रन में कोई विकेट ये भी नहीं निकाल पाए दोस्तों। रीसेंट का परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा है, कभी बॉलिंग करवाते और कभी ओवर कट जाते हैं। यहाँ पे एस मलिक, जिनको आप इस मैच में अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, लास्ट रन में भी शानदार एक विकेट निकाला था और T10 का रिकॉर्ड इनका अच्छा रहा है। बट फिलहाल मैं यहाँ पे ओमकार नाथ को अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ। कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में हम बात करें तो आप अवस्थी के साथ जा सकते हैं, अली के साथ यहाँ पे जा सकते हैं दोस्तों, और हसन भी एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। मैं अली को कैप्टन और अवस्थी को वाइस कैप्टन कर रहा हूँ। फिलहाल ये हमारी टीम का प्रीव्यू, आप इस टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए। फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करना, और यहाँ तक आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।